कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि जानकारी ही बचाव है। आप सुरक्षित रहे, जागरूक रहे, सचेत रहे, इसी उद्देश्य के साथ वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष में समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च ने एक व्याख्यान और सेमिनार का आयोजन किया, जिसका विषय था तंबाकू छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। इस मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम सबको चर्चा के लिए बुलाया है और स्मिता मिश्रा जो कि उनकी पत्नी है, मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च की तरफ से तंबाकू छोड़ो जीवन से नाता जोड़ो विषय पर आज ये व्याख्यान एवं सेमिनार रखा है। बहुत से डॉक्टर लोग मौजूद हैं, मेरे से बेहतर वो तंबाकू के बारे में बता पाएंगे, किंतु एक बात तो बड़ी तय है कि तंबाकू जहर है, तंबाकू से कैंसर फैलता है, तंबाकू से स्वास्थ्य का बहुत नुकसान होता है, ये सब हम जानते हैं। कोई टीवी में ऐड से थोड़ी कोई रुक जाता है, या आपने प्रिंट लाइन डाल दी जी सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, उससे काम थोड़ी होता है, जाकर बताना पड़ता है कि भाई उसके लिए उदाहरण पेश करने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। तंबाकू गुटखा सिगरेट का संबंध किसी वर्ग से नहीं है। जिस उम्र में आपको खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, खाना उचित ढंग से खाना चाहिए, अच्छे व्यसन रखने चाहिए, उस समय आप गलत व्यसन के शिकार हो जाते हैं। जब हम चौथे स्टेज में किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं कैंसर जैसी बीमारी को लेकर, तो वो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से एक ही हमारा पर्पस है कि आप इस बीमारी के बारे में अवगत हों, इसके कारकों के बारे में अवगत हों। टोबैको में अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा बात सिगरेट की करते हैं, बीड़ी की करते हैं, और बहुत कम बात इनकी करते हैं जो गुटखा की और ओरल टोबैको या मुंह पे तंबाकू की बात होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तंबाकू का कहीं ज़्यादा सेवन है जितना कि सिगरेट का है, पर हमारे यहाँ फोकस हमेशा प्रिवेंशन में सिगरेट की तरफ ही ज़्यादा रहता है। प्रोस्टेट कैंसर इंडिया में बहुत ही रेयर है, US में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो स्टडी आई है उसमें इंडिया में नंबर 2 पर पुरुषों में पहुँच चुका है। तो इसलिए प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी वेरी कॉमन कैंसर इन इंडियन मेल्स, और इसमें भी स्मोकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। हर कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है। अगर आप कैंसर को जल्दी नहीं डिटेक्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं डिटेक्ट करने का, क्योंकि वो लास्ट स्टेज में अगर आप डिटेक्ट करते हैं तो आपका सर्वाइवल ऑलमोस्ट जीरो है। कैंसर का इलाज तो हम बहुत पहले से करते हैं, लेकिन कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर बचाव, जब से हमारी समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च से मुलाकात हुई और इनके ज़रिए से हमने ये फिर तय किया कि हफ्ते में एक दिन कैंसर से कैसे बचा जाए उस पर बात करेंगे और बाकी के दिन कैंसर का इलाज करेंगे। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक हो या आप अपना लंग्स का माने, तो सब में जो कारण है वो है तंबाकू। हार्ट अटैक भी तंबाकू से, ब्रेन स्ट्रोक भी तंबाकू से, लंग की बीमारी भी तंबाकू से, कैंसर भी तंबाकू से। हर एक चीज़ में हमारे पास चॉइसेस होते हैं, चाहे सेमिनार ले लें, हम चॉइस था हमारे पास आने या नहीं आने का, और अच्छा दिखता है कि जो यहाँ पे आया है एटलीस्ट उसने वो चॉइस लिया यहाँ आने का। इसी तरह लाइफ में तंबाकू लेने का नहीं लेने का एक चॉइस आपके पास होता है, और यही चॉइस अगर आप लेते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब मेरे पहले बता रहे थे कि फिर आपको उसके आफ्टर इफेक्ट्स है, इल इफेक्ट्स जरूर झेलने भी पड़ेंगे। वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च द्वारा आयोजित तंबाकू छोड़ो जीवन से नाता जोड़ो विषय पर जो सेमिनार था, उसमें कई सारे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और अलग अलग प्रकार के कैंसर के बारे में जानकारी भी दी। आइए बात करते हैं यहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स से। कैंसर के कुछ लक्षण जो कॉमन रूप से देखे जाते हैं, जैसे कि शरीर में गांठे होना, अनियमित वजन का कम होना, खून की कमी होना, खांसी, बार बार खांसी होना, खांसी में खून आना, सांस चढ़ना, निगलने में दिक्कत होना, मुंह में घाव पड़ना, ये सब हो सकते हैं। तंबाकू चाहे वो गुटखा, खैनी या हुक्के के फॉर्म में हो, या फिर स्मोक टोबैको जैसी सिगरेट या बीड़ी के फॉर्म में हो, इससे कई सारी परेशानी हो सकती है। ना ये केवल आपको कैंसर दे सकता है, बट ऑल्सो
इससे हार्ट अटैक्स यानी कि दिल का दौरा, लकवा मारना या सांस से जुड़ी हुई सारी परेशानियां आपको दे सकता है। 50% जो पॉसिबिलिटी है वो जेनेटिक कॉजेस के अलावा आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी डाइट पर बहुत डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये पता है कि कोई ऐसे टेस्ट मौजूद हैं जिनसे ये कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में पता लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये कैंसर अर्ली स्टेज में पता लगा लिए तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। इसके ऊपर हमें पकड़ पाने के लिए पूरे समाज को और व्यक्ति विशेष को जागरूक करना पड़ेगा, और जागरूक होने के लिए कई मंच हैं, कई एनजीओज हैं जो इस पे जुटे हुए हैं, और ये जो है हमें सिर्फ एडल्ट्स को ही नहीं बल्कि स्कूल में और चिल्ड्रन में, बच्चों में इसके बारे में जागरूकता फैलानी है ताकि आगे जाके ये बुरी लत के बीच में ना आए हैं। अगर एक वुमन को एजुकेट किया जाए प्रॉपर तरीके से, या वो सोशल मीडिया या हमारे मीडिया के थ्रू या कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले इस चीज़ की कि इससे क्या क्या नुकसान है, और अपने परिवार को बचाए और इन्फॉर्मेशन अपने पड़ोस में क्रिएट करे, और एक वुमन एक पूरी फैमिली को बचा सकती है, और वो अपने आसपास या कहीं भी पड़ोस में या जितने भी मोहल्ले में लोग हैं उस एरिया में रहते हैं या उसके ऑफिस में रहते हैं, वो मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तंबाकू का सेवन, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, जो कि ट्रीटेबल और प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं। सो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि तंबाकू खाने से टेंशन ज़रूर जाती है पर वो जान भी साथ में ले जाता है। तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जो कि अंदर से ही हमें बहुत तरह तरह से ख़त्म करता है, बीमारी की जड़ है, हमारी ज़िंदगी शॉर्ट होती है। तो वक्त आ गया है कि इन सब आदतों से हटके एक न्यू इंडिया के न्यू आयाम पर हम जाके आएं और हमारा देश तंबाकू सेवन से मुक्त हो। ये एक शुरुआत है, और जितना हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाएंगे, बात फैलाएंगे, वो हम कैंप कर सकते हैं, लोगों में पैम्फलेट बांट सकते हैं, लोगों को टीवी के माध्यम से, जैसे आपका टीवी है, इसके माध्यम से दूर दूर तक अगर हम बात पहुंचाएंगे तभी लोगों को इस बारे में पता चलेगा। और जानकारी ही बचाव का सबसे बड़ा साधन है, अगर आप जानकार रहेंगे तो आप बचाव कर पाएंगे। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च का यही उद्देश्य है कि लोगों को इस बारे में जागरूक करें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश में 40% कैंसर सिर्फ तंबाकू के कारण हो रहा है, और अगर सिर्फ तंबाकू पर हम काबू पा लें तो निश्चित रूप से हम 40% कैंसर पर काबू पा सकते हैं। तंबाकू छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो, ये पंक्ति ही अपने आप में संपूर्ण है। आज पूरे विश्व में तंबाकू के खिलाफ एक जंग छिड़ी हुई है, और ये मुहिम तभी सफल होगी जब प्रत्येक व्यक्ति तंबाकू का बॉयकॉट करेगा, क्योंकि आपके स्वस्थ रहने से ही आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश और फिर ये पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा।